6x34 का और एक ड्राइंग जिसमें और भी मैंने चेंज किया है। ओके, 3 बेडरूम हाउस प्लान और इसका बिल्डिंग कॉस्ट 12 to 15 lakhs। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 26 और 34, इसमें देखिए तो इसमें भी ना है और इधर ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो जो जो ड्राइंग में हमने रखा है उसको पहले ड्रॉ करना है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमको थोड़ा सा इधर से एक लाइन ड्रॉ करना है और इधर से एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद इधर से एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए कैसे मैंने इसको किया है। उसके बाद इधर से एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है, से लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद से लाइन ड्रॉ करना है, इसको भी इधर करना है, ठीक है। देखिए लाइन ड्रॉ तो कर दिया है, तो इसका प्लान तो करना होगा ना। तो कैसे करना है, तो देखिए पहले हम आउटलाइन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा। ओके, नेक्स्ट हम इधर आउटलाइन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा। ओके, नेक्स्ट इधर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे आउट साइड में, और इधर भी देखिए हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा हम ठीक करते हैं, थोड़ा सा इधर और हो गया। ठीक है, इसको नेक्स्ट हम इधर करेंगे लाइन ड्रॉ ऐसे। ओके, ऐसे देखिए से, उसके बाद ठीक है इसको भी हम करेंगे ऐसे ड्रॉ, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ओके। और इधर से हम अब तक ऐसे करेंगे, बाकी तो जगह ठीक ही है, सब कुछ ड्राइंग के अंदर है। तो देखिए ड्राइंग का तो पार्ट हमने कर दिया है, उसके बाद इसका जो डोर उसका भी पार्ट दिखाना है, नहीं तो आप कहाँ से अंदर जाएंगे, डोर के डोर से अंदर जाएंगे तो उसका भी पार्ट हमको दिखाना है इधर। ठीक है, ऐसा तो ऐसा आएगा हमारा डोर, ऐसा आएगा डोर, डोर भी हम लिख के इधर इसके अंदर देते हैं। देखिए डोर, इधर डोर, इधर जो है मेन गेट आप, ठीक है इधर जो है हमारा गेट एंड एंट्रेंस इधर ही है।
तो इधर जो है 26 फीट, एंड इधर जो है 34 फीट। ओके हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसके साथ, इधर जो है देखिए जो स्टेयर का पार्ट इधर, तो इसके नीचे हम ड्राइंग रूम ऐड कर दी करेंगे। तो उसमें देखिए ऐसे हम रखेंगे, आप इधर से स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर लैंडिंग, यहाँ पर भी लैंडिंग। तो इसके नीचे जगह रह गई, यहाँ पर हम ड्राइंग, ठीक है, का जो जगह है इधर हम रखेंगे ड्राइंग। यहाँ पर डाइनिंग, यहाँ पर बेडरूम, ओके, यहाँ पर भी एक बेडरूम, यहाँ पर एक बेड रूम या स्टडी रूम जो भी आप कर सकते। इधर किचन, ओके, इधर बाथ, लेट हम रखेंगे इधर, और इधर जो है ओपन स्पेस, तो ऐसा है जगह, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका मेज़रमेंट कुछ सेट कर देंगे। तो 12 फीट 5 इंच, इधर 12 फीट 4 इंच, इधर 12 फीट, इधर 10 फीट, फाइव फीट, ठीक है, इधर 5 फीट, 7 फीट, 11 इंच, 8 फीट भी रख सकते हैं, यहाँ पर 8 फीट 4 इंच। देखिए एक एक करके हम सब जगह जो है इसका मेज़रमेंट कंप्लीट करते हैं। 16 फीट 2 इंच किचन, 9 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 8 फीट 7 इंच, ओके, और इधर 9 फीट 3 इंच, और इधर 12 फीट 4 इंच, 3 फीट, इधर भी 3 फीट, 3 फीट जगह रखेंगे। आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने क्या किया, देखिए ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ना, इसको हम थोड़ा सा कलर करके हाईलाइट कर देते तो आपका सब कुछ इजी हो जाएगा आपको, ठीक है, देखने में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो एक बात चीज़, इसका जो आउटर वाल है तो 5 इंच वाले, और जो इंटरनल वाल है ये 5 इंच है, ठीक है। और आपको जो आउटसाइड में जो आपका वेंटिलेशन चाहिए, तो आपको अगर ज़रूरत है तो वेंटिलेशन दीजिए, ज़रूरत नहीं है तो वेंटिलेशन मत दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो कॉलम है उसका हम इधर कॉलम सेट करेंगे, ऐसे करके हम कॉलम सेट कर देंगे इधर, ठीक है। तो ऐसे हम कॉलम सेट करेंगे, ओके। तो ऐसा है हमारा प्लान, प्लान के साथ हमने देखिए कॉलम भी ऐड कर दिया। तो कॉलम का साइज़ कितना रखेंगे, तो इधर जो डिस्टेंस है हमें 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम में सब कुछ हो जाएगा। तो कॉलम का साइज़ भी आपको मिल गया, तो कॉलम साइज़ दो टाइप का कॉलम आएगा आपका, 10 इंच बाई 10 इंच और 10 इंच बाई 12 इंच, ओके। और फाउंडेशन डिटेल्स, फाउंडेशन कितना आएगा, फाउंडेशन साइज़ जो कॉलम के ऊपर आएगा 4 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 6 इंच,
तो लेन ब्रेथ हाइट जो भी आएगा सब अपना इतना आएगा, ठीक है, फाउंडेशन का। तो टोटल कॉस्ट आपको मिल गया इधर 12 to 15 लाख। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख के दिया है टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट, से कॉलम का भी साइज आएगा, यहाँ पर कितना साइज है इतना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।